चैप्टर का नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, दैट इज BRS। ये BRS का मतलब होता क्या है? देखो, बैंक वर्ड से तो समझ में आ रहा है कि इसमें बैंक का रोल होगा। रिकॉन्साइल करने का मतलब क्या होता है? दिस इज रिकॉन्सिलिएशन, इसका मतलब होता है रिकॉन्साइल करना। रिकॉन्साइल का मतलब होता है टू मैच, दो चीज को मैच करना। थ्योरी पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्लास 11 में जो हम लोग सीखे हैं, दैट इज ओनली प्रैक्टिकल। एग्जाम में प्रैक्टिकल आता है और हम लोग क्वेश्चन आंसर आता है, व्हाट इज BRS एंड ऑल दैट। बट यहाँ जो हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, वहां MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स कुछ भी आ सकता है। तो इस केस में थ्योरी भी आ सकता है कि व्हाट इज BRS। तो इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत शार्प चाहिए, क्योंकि हो सकता है सम आए ही नहीं, हो सकता है सिर्फ थ्योरी ही आ जाए। इसलिए हम प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ थ्योरी पे भी फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है रिकॉन्साइल करने का मतलब होता है मैच करना, और स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे हम लोग कोई अकाउंट नहीं बनाते हैं, जैसे कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो BRS इज अ स्टेटमेंट, नॉट एन अकाउंट। तो अब यहाँ पर बात आता है, ये बैंक और स्टेटमेंट तो ठीक है, ये जो मैच करना है वो किन दो चीज को मैच करना है? यहाँ पे हम लोग मैच करेंगे कैश बुक को और पासबुक को। हम लोग ये दो चीज को यहाँ पर मैच करेंगे। मैच करने का जरूरत पड़ता क्यों है? मैच करने का जरूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि एक बात याद रहे, कैश बुक बनाता है बिजनेसमैन और पासबुक बनाता है बैंक। कुछ आइडिया हम बहुत क्लियर करते हैं। देखो, जैसे सोचो मेरे अकाउंट में, मेरा एक बैंक में अकाउंट है जिसमें कितना रुपया है, 10,000 रुपीज है। अब हम पूरा साल उसमें से पैसा निकालते होंगे और उस अकाउंट में पैसा डालते होंगे, मतलब पैसा विड्रॉ भी करते होंगे, पैसा डिपॉजिट भी करते होंगे। पर मेरा जो एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 31 मार्च को मेरा जो बैलेंस दिखा रहा है, वो मेरे कैश बुक में भी जितना हम बैंक का एंट्री किए, पैसा निकाले और पैसा डाले। अच्छा, कैश बुक में दो कॉलम होता है, एक कैश कॉलम, एक बैंक कॉलम। ये चैप्टर किसमें डील करता है? ओनली इन बैंक कॉलम। तो याद रहे, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, MCQ में पूछता है कि BRS डील इन BRS कैश बुक डील्स विद बैंक कॉलम, कैश कॉलम, बैंक एंड कैश बोथ कॉलम एंड नन ऑफ द अबव। तो याद रहे, बोथ नहीं होगा, इसमें होगा सिर्फ बैंक कॉलम। तो कैश बुक में दो कॉलम बनता था, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। हम लोग यहाँ डील कर रहे हैं सिर्फ बैंक कॉलम से, कैश कॉलम को भूल जाओ। तो जितना पैसा जाता था हम लोग कैश बुक में बाई बोलकर लिखते थे, और जितना पैसा आता था उसको टू बोलकर हम लोग लिखते थे। ठीक है, तो अगर हम पैसा डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो मेरा 31 मार्च को बैलेंस कितना दिखा रहा है? मेरे कैश बुक में दिखा रहा है कि मेरे पास बैंक में 11,000 है। अब बैंक भी एट द सेम टाइम ये एंट्री मेरे पासबुक में कर रहा है। वो ये जो पासबुक बनाता है वो कस्टमर के लिए ही बना रहा है, मतलब बिजनेसमैन के लिए बना रहा है ये वाला पासबुक। अब ये जो वो पासबुक बनाया, अगर हम पैसा डाले तो ये बढ़ाए हैं तो ये भी बढ़ना चाहिए। अगर हम कैश, मतलब बैंक से पैसा निकाले हैं, तो अगर मेरा कैश बुक कम हो जा रहा है तो पासबुक भी कम हो जाना चाहिए। पर एट द एंड हम देख रहे हैं कि मेरे पासबुक में 12,500 बैंक बैलेंस दिखा रहा है, मतलब कैश बुक देख रहे हैं तो लग रहा है मेरे बैंक में 11,000 रुपया है, और पासबुक देख रहे हैं तब दिख रहा है कि मेरे बैंक में 12,500 है। अब किसी का अकाउंट है बैंक में तो उसका एक ही रुपया होगा, या तो 11,000 होगा या तो 12,500 होगा, कोई इसमें से एक जन रॉन्ग है। तो इसमें से जरूरी नहीं है कि वही अपने आप को BRS में वही डील करेगा, ऊपर नीचे करेगा, एडलेस करेगा जो रॉन्ग है। ये कॉन्सेप्ट नहीं देखना है, हम लोग का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इन दोनों को एक ही बैलेंस पे पहुंचाना है। या तो इसको 12,500 बना दो या तो इसको 11,000 बना दो। गलती कितना है? मेन 1,500 का। तो हम लोग को प्रॉब्लम किसका फाइंड करना है? 1,500 का प्रॉब्लम फाइंड
फाइंड करना है। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है? पहला आता है रिकॉन्सिलिएशन का मतलब देता है पूरे सेंटेंस में, तो ध्यान रहना चाहिए मैच करता है कैश बुक और पासबुक को। दूसरा आ सकता है कि बीआरएस कोई अकाउंट है कि स्टेटमेंट है। बीआरएस एक स्टेटमेंट है, इसमें कोई अकाउंट नहीं बनता। इसमें दो बुक डील करता है, कैश बुक और पासबुक। कैश बुक बनाता है बिजनेसमैन, पासबुक बनाता है बैंक। इसमें सिर्फ बैंक कॉलम देखना है, कैश बुक का सिर्फ बैंक कॉलम देखना है और कोई कॉलम नहीं। यहाँ पे प्रॉब्लम कब अराइज होता है? जब दोनों अलग अलग बैलेंस दिखा रहा है, प्रॉब्लम तभी शुरू होता है। और इस चैप्टर में हम लोग यही फाइंड आउट करते हैं कि दोनों का बैलेंस अलग अलग क्यों है। अब इसमें पॉइंट आता है, बैंक बैलेंस जो होता है, कैश बुक का अगर बात करें तो कभी बोलेगा फेवरेबल कैश बुक है। फेवरेबल कैश बुक है मतलब मेरे बैंक में पैसा है, मतलब मेरा बैंक बैलेंस है, मेरे बैंक में पैसा है। अगर बोलेगा मेरा बैंक कॉलम, मेरा कैश बुक अनफेवरेबल है, मेरा कैश बुक अनफेवरेबल है, इसका मतलब क्या होता है कि मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट है का क्या मतलब? मेरे बैंक में नेगेटिव बैलेंस है, मतलब जितना नहीं था उससे भी ज्यादा हम निकाल लिए। तुम लोग बोलोगे ऐसा कहाँ होता है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है फिर भी आप निकाल लेते हैं? ऐसा होता है कुछ बिजनेसमैन लोग को करंट अकाउंट खोलने पे। याद रहे, यहाँ जो हम लोग अकाउंट खोले रहते हैं वो कौन सा अकाउंट खोल कर रखते हैं? सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट या ऑल ऑफ द अबव। याद रहे, यहाँ पे हम लोग करंट अकाउंट खोल कर रखते हैं। करंट अकाउंट सिर्फ बिजनेसमैन को ही ओपन करने के लिए मिलता है। तो कुछ कुछ बिजनेसमैन को ये फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करता है कि आपके अकाउंट में अगर पैसा नहीं है तो भी आप निकाल सकते हो। कैसे? सोचो मेरे अकाउंट में कितना रुपया था, 10,000 रुपया था। हम किसी को चेक काट करके दे दिए हैं 12,000 का, तो रियल में आम आदमी के साथ क्या होगा? चेक बाउंस हो जाएगा, चेक डिसऑनर हो जाएगा, क्योंकि बैंक बोलेगा आपके बैंक में सफिशियंट बैलेंस नहीं है, ये बोलकर मेरा चेक बाउंस कर देगा। पर कुछ बिजनेसमैन होते हैं जिन्हें ये बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है, जब हम 12,000 का चेक काट के दे भी देंगे तो भी बैंक उस आदमी को 12,000 पे कर देगा, जबकि मेरे अकाउंट में कितना था? सिर्फ 10,000। बैंक अपने पास से 2,000 उस आदमी को दे देगा। जब बाद में वो अपने अकाउंट में पैसा डालेंगे तो उससे बैंक 2,000 और कुछ चार्जेस अपने पास रख लेगा। तो ये पर होता है, ठीक है। तो अगर कैश बुक के केस में पैसा आता है तो डेबिट बोलते हैं। हम लोग कैश बुक के केस में क्या पढ़े हैं? व्हाट कम्स इन डेबिट। तो कैश बुक में जब भी पैसा आता है तो डेबिट होता है, ये याद रहे। सम करेंगे अभी, और ये सब स्टेटमेंट बना के एमसीक्यू में पूछता है जो स्टूडेंट को बहुत डिफिकल्ट लगता है, इसलिए ध्यान से समझो। कैश बुक में जब पैसा आएगा तो डेबिट करेंगे, जब पैसा जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। पर पासबुक ठीक उल्टा करता है। पासबुक क्या करेगा? जब बैंक में हम लोग के पैसा आता है तो पासबुक में उसको क्रेडिट लिखा जाता है, और जब पैसा जाता है तो पासबुक उसको डेबिट करता है। इसलिए एक चीज नोटिस करो, जब भी तुम लोग एटीएम से पैसा निकालते हो तब तुम लोग के सेल पे मैसेज आ जाता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय रुपीज इतना। मतलब बैंक डेबिट कब बोलता है? जब मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाता है, ठीक है। और जब भी हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं तो हम लोग को मैसेज आ जाता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय रुपीज इतना, मतलब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया है। तो इस तरह का लैंग्वेज है। इतना बात याद रखना है, ये सब रफली नहीं लिखने का मन है तो मत लिखो, हम वैसे भी नोट्स देंगे, उस नोट्स में सब कुछ प्रॉपर्ली रहेगा और हम रिकॉर्डिंग भी दे देंगे, जिससे ये सब लिख के टाइम वेस्ट मत करो, सब कुछ रहेगा, ठीक है। अब हम लोग सम में आएंगे। तो यहाँ पर जिसका जो तरीका है सम करने का वो उसी तरीके से करो, पर जो भूल चुका है और सीखना चाहता है वो मेरे तरीके से करो।
क्योंकि बीआरएस सॉल्व करने का टोटल 3 मेथड है, जिसको जो ठीक लगता है वो करो, हम अपने तरीके से सिखा रहे हैं। इलस्ट्रेशन 2, इसमें बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बीआरएस फॉर जिंदल ऑफिस ऑफसेट लिमिटेड। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, टॉप में फुल फॉर्म में लिखेंगे बीआरएस, दैट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बीआरएस वर्ड एग्जाम में यूज नहीं करना है। उसके बाद एक पर्टिकुलर्स और दो अमाउंट कॉलम, बाकी जिसका अपना जो फॉर्मेट है अपने तरीके से सीखे हो वैसे ही करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को सिर्फ आंसर से मतलब है। इस तरह हम लोग का फॉर्मेट होगा। टॉप में अगर लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हम लोग भी वही लाइन लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 2,40,000, तो इसको आउटर कॉलम में दे दिए। अब यहां पर लिखेंगे एड और थोड़ा नीचे जाकर लिखेंगे लेस। ठीक है, अब पहला आइटम देखो, चेक इशूड। अच्छा, कुछ वर्ड का मीनिंग सीख लो। इशू का मतलब क्या होता है, इशू का मतलब होता है एक्सपेंस। क्यों, इशू का मतलब होता है किसी को चेक काट कर देना। अगर हम तुम लोग को अभी चेक काट कर दे दे, मतलब तुम लोग को चेक में पेमेंट कर दे, तो बोलेंगे कि हम चेक इशू किए हैं। तो इसलिए चेक इशूड मतलब मैंने एक, हर सम को अपने ऊपर लेकर सोचो कि हम लोगों ने चेक इशू किया है बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट। अच्छा, ये जो डिफरेंसेस होता है इसका रीजन क्या होता है, कैसे कैश बुक कुछ और बैलेंस दिखा रहा है, बैंक पासबुक कोई और बैलेंस दिखा रहा है, एक्चुअली अलग अलग बैलेंस दिखा क्यों रहा है। ये इसलिए दिखाता है क्योंकि सोचो आज तुमने एक जन को चेक काट कर दिया, तुमने अपने कैश बुक में लिख दिया कि मेरा बैंक गिर गया है, मतलब मैंने किसी को पेमेंट कर दिया है, मेरा बैंक गिर गया है, बट बैंक ने उसे रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि तुम लोगों का चेक बाउंस हो गया था। डिसऑनर कहते हैं इसे, डिसऑनर हो गया था, तो बैंक ने तो तुम्हारा पासबुक को गिराया नहीं पर तुमने गिरा दिया। और रीजन क्या होता है, सोचो तुम लोगों ने मुझे फीस डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में जमा कर दिया है पर मुझे इन्फॉर्म नहीं किया तुमने, तो बैंक वाले तो दिखाएंगे कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया है बट मैं अपने कैश बुक में नहीं लिखूंगी। थर्ड रीजन क्या हो सकता है, सोचो मैंने बैंक को कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है, सोचो कि मेरा मोबाइल बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऐसा बहुत सारे एक्सपेंस है जो हमको हर मंथ करना होता है, अलग अलग डेट है। मोबाइल बिल भरने का अलग ड्यू डेट है, इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने का अलग ड्यू डेट है, मेरा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का अलग डेट है, ऐसा बहुत सारा मेरा अलग अलग डेट पे अलग अलग मेरे को पेमेंट रहता है। अब हम है बिजनेसमैन, मेरे पास इतना टाइम नहीं है और मेरे को याद भी नहीं रहता है कि किसका ड्यू डेट क्या है, तो हम बैंक को बोल कर रखे हैं कि अगर 20 तारीख आएगा तो आप मेरा मोबाइल बिल भर देना, अगर मेरा 25 तारीख आएगा तो आप मेरा बिजनेस का इंश्योरेंस प्रीमियम भर देना, अगर मेरा 30 तारीख आ जाएगा तो आप मेरा लाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम भर देना। तो बैंक ये काम करता है, इसे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कहते हैं कि बैंक ने पहले ही, मैंने बोल के रखा है, वो हर मंथ अपने आप ही पेमेंट कर देता है। अब डेफिनेटली रियल लाइफ में बैंक इसके लिए चार्जेस लेता है। तो अब सोचो 20 तारीख आ गया, बैंक ने तो मेरा मोबाइल बिल भर दिया है, बैंक ने मेरा बैंक बैलेंस कम कर दिया है, बट मुझे तो अभी ये बात मैसेज आ गया होगा, तो आ गया होगा, मैंने पढ़ा भी नहीं है, तो कैश बुक में मैंने नहीं लिखा, तो मेरा बैंक बैलेंस मेरी नजर में बढ़ा हुआ है क्योंकि मैंने वो खर्चा लिखा नहीं है पर बैंक ने उसे लिख लिया है। तो अभी बोल रहा है कि हम लोगों ने चेक इशू किया है बट बैंक ने उसे प्रेजेंट नहीं किया है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो हम तो बेसिकली इस तरह कैलकुलेट करते हैं माइंड के अंदर कि चेक मैंने इशू किया है, एक को हम कैश बुक मानते हैं और एक को हम पासबुक मानते हैं, ये वाले को हम कैश बुक मानते हैं। तो बोल रहा है कि मैंने चेक इशू किया है, चेक इशू करने से क्या होगा, कैश बुक मुझे पता है तो कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है, कैश बुक नीचे हो गया,
ठीक है, पर बैंक ने तो पेमेंट किया ही नहीं, तो बैंक अभी भी ऊपर है, मेरा बैंक बैलेंस अभी भी पासबुक में ऊपर है, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना होगा, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, इक्वल करने के लिए या तो ये नीचे चला जाए या तो ये ऊपर आ जाए, कोई एक को कुछ करना पड़ेगा। हम लोग किसको मूव करवाएंगे, जिसका नाम टॉप में लिख कर रखे हैं, जिसका नाम टॉप में लिख के रखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक हमेशा वही मूव करेगा। तो ऐसे था हम लोग का, तो इसमें कौन रिएक्ट करेगा, कैश बुक ये ऊपर आएगा मतलब ऐड होगा, तो हम लोग यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे टू नंबर में, और ये पूरा लाइन उतारेंगे एग्जाम में, दैट इज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक। फिर यहाँ पर इनर कॉलम में 1,36,000 लिखेंगे, उसके बाद दूसरा देखो, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर। चेक डिपॉजिटेड इन टू बैंक मतलब मैंने एक चेक अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया है, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, पर बैंक ने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो अभी क्या कौन रिएक्ट करेगा, जिसका नाम टॉप में लिखा हुआ है मतलब कैश बुक, कैश बुक नीचे जाएगा मतलब लेस होगा, तो लेस में हम लोग लिखेंगे थ्री नंबर में, पूरा सेंटेंस उतारेंगे, देन 90,000। मैम एक क्वेश्चन है, चेक डिपॉजिट किए हैं बैंक में तो हाँ इसके बाद थ्री में फोर में बोल रहा है बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू इतना, बैंक चार्जेस मतलब बैंक ने एक चार्जेस काट लिया है, तो ये बात पता किसको होगा, बैंक को होगा। तो अब इस तरह है, बैंक ने चार्जेस काटा है तो बैंक को पता होगा, तो उसने मेरा पासबुक नीचे कर दिया है, बट मुझे ये बात नहीं पता है, मैं अभी भी ऊपर ही हूँ, तो रेक्टिफाई करने के लिए मैं इसे नीचे कर दूंगी, तो लेस हो जाएगा, दैट इज फोर नंबर 300। उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, अब आता है वो डेबिट क्रेडिट वाला लैंग्वेज, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक का क्रेडिट, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, बैंक जब क्रेडिट करता है, बैंक जब क्रेडिट करता है मतलब मेरा पैसा बढ़ रहा होता है, जब भी बोलेगा बैंक ने क्रेडिट किया है मतलब बढ़ा दिया है, याद रहे ये लैंग्वेज, तो बैंक ने क्रेडिट किया है मतलब बैंक ने बढ़ा दिया है, पर मैंने कुछ नहीं किया, तो अब हम भी ऊपर आ जाएंगे मतलब एड, दैट इज फोर नंबर नहीं 5 नंबर 1,250। फिर द बैलेंस एज पर पासबुक, इसका कुछ नहीं करना है, अब इन दोनों को ऐड करके बाहर भेजो, 1,36,000 प्लस 1,250, तो आ जाएगा 1,37,250। अब इन दोनों को भी ऐड करो, तो 3,77,250, इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो 90,300, पर जबकि ये लेस है तो ये नेगेटिव रहेगा, तो इससे इसको लेस करो, तो हम लोग का आ गया 2,86,950। ठीक है, इसको क्या नाम देंगे, बैलेंस एज पर पासबुक, सम में देखो बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ भी है और ये इससे मैच भी कर रहा है, मतलब हम लोगों ने सम राइट किया है। थ्री इलस्ट्रेशन थ्री में हम लोग को दो बैलेंस दिया है, बैलेंस एज पर पासबुक और बैलेंस एज पर कैश बुक, मेरा हम पहले ले रहे हैं बैलेंस एज पर पासबुक, दैट इज 1,50,000। ठीक है, 1,50,000। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे हम लोग एड लिख लेंगे और थोड़ा नीचे जाकर लेस लिख लेंगे, इसमें बोल रहा है शी हैज इशूड चेक अमाउंटिंग टू 80,000 आउट ऑफ विच ओनली 32,000 वेयर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब शी मतलब हम लोग ही इशू करते हैं, तो हम लोग चेक इशू किए हैं 80,000 का, हम लोग इशू किए तो हम लोग को पता होगा, हम लोग पूरा 80,000 से गिरा दिए। उसके बाद बोल रहा है आउट ऑफ विच ओनली 32,000 वेयर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बैंक ने सिर्फ 32,000 का ही पेमेंट किया है, मतलब थोड़ा सा नीचे जाएंगे 82,000 का पेमेंट किया है, बट बाकी अमाउंट का क्या, बाकी अमाउंट कितना है निकालो, 80,000 माइनस 32,000,
दैट इज 48,000। तो कैश बुक नीचे था पूरा 40,000 से, सॉरी 80,000 से, और ये नीचे गया है सिर्फ 32,000 से। तो बाकी 48,000 के लिए पासबुक नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार हम ऊपर पासबुक लिखे हैं, तो ये नीचे जाएगा, दैट इज रोमन वन, 80,000 माइनस 32,000, 48,000। इसके बाद बोल रहा है, शी रिसीव्ड अ चेक ऑफ रुपीज 5,000 विच शी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन द बैंक। बोल रहा है हम लोगों को एक 5,000 का चेक मिला है, रिसीव किए हैं, तो हम लोगों को मिला है मतलब कैश बुक बढ़ गया, पर हम लोग बैंक में उसको डिपॉजिट ही नहीं किए हैं, तो बैंक अभी भी नीचे है, तो बैंक ऊपर आएगा, दैट इज एड होगा, तो रोमन टू मतलब 5,000। उसके बाद बोल रहा है चेक ऑफ 22,000 डिपॉजिटेड बाय हर नॉट बीन क्लियर्ड येट। फिर बोल रहा है कि हम लोगों ने एक चेक डिपॉजिट किया है, तो हम लोग कैश बुक को बढ़ा दिए, पर बोल रहा है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। क्लियर नहीं हुआ है मतलब पासबुक में अभी तक कुछ नहीं किया है, तो रेक्टिफाई करने के लिए पासबुक को ऊपर लाएंगे, दैट इज एड, एड होगा रोमन थ्री, 22,000। फिर बोल रहा है मिस्टर गुप्ता an अमाउंट ऑफ 15,700 इन हर बैंक विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय हर इन द कैश बुक येट। बोल रहा है कि हम लोगों ने एक चेक रिसीव किया है, कुछ भी रिसीव किया है, मतलब डिपॉजिटेड एन अमाउंट 15,700। मिस्टर गुप्ता ने मेरे अकाउंट में डायरेक्टली रुपया डाल दिया है 15,000, तो मेरा पासबुक तो बढ़ गया, पर कैश बुक में मैंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है, तो कैश बुक नीचे ही है, तो पासबुक नीचे जाएगा, दैट इज लेस 15,700। फिर बोल रहा है बैंक हैज क्रेडिट एंड इंटरेस्ट 1,500। बैंक ने क्रेडिट किया है मतलब बैंक क्रेडिट करता है तो बढ़ा देता है, तो रेक्टिफाई करने के लिए ये नीचे आ जाएगा, मतलब लेस 1,500। उसके बाद बोल रहा है 250 एज बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस अगेन बैंक डिडक्ट करता है, तो मेरा बैंक नीचे आ गया, बट कैश बुक को कुछ नहीं पता है, तो पासबुक ही ऊपर आ जाएगा, एड। अगेन इसको सॉल्व कर लो, इसको लिख लो बैलेंस एज पर कैश बुक, इलस्ट्रेशन 4 देखो, इसमें 160 ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हम लोग का कटा है, ऑब्वियसली कटा ही होगा बैंक इंटरेस्ट, ओवरड्राफ्ट पे तो इंटरेस्ट हम लोग को दिया नहीं होगा, लिया ही होगा, तो मेरा पासबुक नीचे हो गया होगा, मेरा पासबुक नीचे हो गया होगा, पर कैश बुक में मैंने इसे रिकॉर्ड नहीं किया, तो मेरा कैश बुक भी नीचे आएगा, ये पहला एरर है, तो कैश बुक को लेस करो। देखो इलस्ट्रेशन 4, इसमें बोल रहा है हम लोगों को सम, देखो सम में क्लियरली बोल रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, बैंक ओवरड्राफ्ट बोल रहा है, तो हम लोग भी लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बैंक ओवरड्राफ्ट है तो यहां पर बेसिकली हम लोग नेगेटिव लिखेंगे 6,340, पर एग्जाम में याद रहे इसको नेगेटिव किया नहीं जाता है, माइंड में होना चाहिए कि ये नेगेटिव है, पेंसिल से करके आगे बढ़ना, एग्जाम में अगर मुंह से याद नहीं रहता है कि इस 6,340 को नेगेटिव रखना है,
तो पेंसिल से नेगेटिव कर देना क्योंकि ये कैलकुलेशन में नेगेटिव होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है एड और उसके बाद लेस। इसमें क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इज एंटर्ड इन पासबुक। हम लोगों का इंटरेस्ट डिडक्ट हुआ होगा ओवरड्राफ्ट के लिए तो पासबुक नीचे हो गया, पर कैश बुक वही है तो कैश बुक को भी नीचे होना होगा, दैट इज लेस। तो ये आएगा हम लोग का वन में, टू में 160। उसके बाद बोल रहा है बैंक चार्जेस 400 डेबिटेड इन द पासबुक ओनली, मतलब बैंक चार्जेस भी डेबिट हुआ है बैंक पासबुक में। पासबुक का डेबिट होना मतलब नीचे जाना, और दूसरा बात बैंक चार्जेस है तो मेरा अकाउंट नीचे ही जाएगा, तो पासबुक ने नीचे कर दिया है पर कैश बुक ने अभी तक कुछ नहीं किया है तो कैश बुक भी नीचे ही जाएगा। देखो जिन लोगों ने इसे पूरा ऊपर ऐड किया है और इसे पूरा नीचे लेस किया है वो लोग भी सही हैं, वो लोग फिर इसे नेगेटिव नहीं रखते हैं, इसे पॉजिटिव रखते हैं। पर हम क्या करते हैं, हम अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो इसको नेगेटिव रख देते हैं क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट है, मतलब मेरे बैंक में नेगेटिव बैलेंस है, जैसे ही हम पैसा डालेंगे बैंक काट लेगा, तो इसलिए हम इसको नेगेटिव रखते हैं। अब सिंपल है, वन हम एक्सप्लेन कर दिए, टू भी एक्सप्लेन कर दिए, सॉरी टू और थ्री एक्सप्लेन कर दी, फोर देखो, चेक इश्यूड बट नॉट कैश्ड। मैंने चेक इश्यू किया है मतलब मेरा कैश बुक कम हो गया, पर सामने वाले ने अभी तक इनकैश नहीं किया है, मतलब चेक को जाके बैंक में जमा नहीं किया है, जिससे मेरा बैंक बैलेंस कम नहीं हुआ। तो पासबुक वही है तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, एड करेंगे, तो इसलिए ये एड हो गया। उसके बाद है चेक पेड इन टू बैंक। चेक पेड इन टू बैंक मतलब अपने बैंक अकाउंट में जाके चेक जमा करना, तो जब भी हम जाके बैंक में चेक जमा करेंगे मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो मेरा कैश बुक बढ़ गया, पर बैंक ने अभी तक उसे क्लियर नहीं किया, मतलब लिखा नहीं है, तो मेरा कैश बुक को नीचे आना पड़ेगा, इसलिए वो लेस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने कलेक्ट किया है और पासबुक को क्रेडिट भी कर दिया है, अगर बैंक ने कलेक्ट किया है तो पासबुक ऊपर आ गया, मैंने कुछ नहीं किया तो कैश बुक भी ऊपर आ जाएगा, दैट इज एड। अब इस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, टू चेक्स ऑफ रुपीज 5000 एंड 6000 वेर डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 30 दिसंबर 2014। हाँ, इसमें बोल रहा है कि हम लोगों ने दो चेक डिपॉजिट किया है बैंक में, तो हम लोगों ने डिपॉजिट तो कर दिया तो हम लोगों ने दो बार बढ़ा दिया। फिर बोल रहा है हैड कहाँ गया, हाँ, हैड बीन क्रेडिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट ऑन 4th January, मतलब 31 दिसंबर तक बैंक ने कुछ नहीं किया है, 31 दिसंबर तक बैंक वही बैठा हुआ है, तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको नीचे कर देंगे, तो दोनों चेक से वो नीचे आ जाएगा।